में पस्ता रोड पे मौजूद है, जो जैतपुर पार्ट टू में आता है। बदरपुर विधानसभा का क्षेत्र है। चौधरी राम सिंह नेताजी जो पूर्व विधायक है वो आए हुए हैं इसका निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि ये रोड पूरी तरीके से टूटा हुआ है। रोड में जो गड्ढे ही गड्ढे हैं और गड्ढे ज्यादा, रोड कम नजर आती है। अगर ढूंढ के देखा जाए तो रोड ढूंढना पड़ता है, गड्ढे नहीं। इसी सिलसिले में राम सिंह नेताजी यहाँ पे आए हुए हैं अपनी बात समाज को जगाने के लिए, यहाँ के स्थानीय निवासियों को अपनी बात पहुँचाने के लिए। अगर वो लोगों को जन जागरूक नहीं करेंगे तो दिल्ली सरकार है वो उसकी छवि पर जिस तरीके से आंच आ रही है उसको बताने के लिए राम सिंह नेताजी यहाँ पे आए हैं, ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके और लोगों को बता सके। चौधरी राम सिंह नेताजी हमसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या आगे कार्रवाई है। क्या कहेंगे नेताजी, आप यहाँ पे आए हैं लोगों को जागरूक करने, जिस हिसाब से रोडों की हालत है, रोड में गड्ढे ही गड्ढे हैं, अगर गड्ढों में ढूंढा जाए तो रोड ढूंढनी पड़ती है। मेरे हिसाब से लोगों के साथ धोखा है, लोगों के साथ अन्याय है। ये व्यक्ति काम नहीं करता, सिर्फ झूठे वादे करता है। ये पुल, ये रोड अब तक 8-10 महीने पहले बन सकता था, परंतु हर बार लोगों को नारियल आया फोड़ दिया, 3 बार नारियल फोड़े उसने। जिस तरीके से क्षेत्र में नारियल फोड़े जाते हैं और अपनी नेम प्लेट लगाए जाते हैं, उससे क्या केवल नाम करने के लिए काम किया जाता है या लोग जनता के बीच अपना काम दिखाने के लिए भी कुछ होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता को इसने धोखा दिया है। अगर ये लोकसभा में ना जाता अब के जनता इसे सबक सिखा देती है। मकान की अगर कोई न्यू भी डाले, अगर मकान के लिए ईंट भी रखती है तो यहाँ पे उसका काम नहीं होने दिया जाता, मकान को तोड़ दिया जाता और इसकी मोटी भारी भरकम जो रकम जो है पास जा रही है, जो नेता लोग है उनके पास, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा अगर मुझे लोगों ने मौका दिया तो इस बार हम इनको लूटने नहीं देंगे जनता। इस विषय को लेकर हम इसकी झूठ खोल रहे हैं। ये कहता मुझे रेडियो झूठिस्तान क्यों कहते हैं, हम इसके प्रूफ हमारे पास है, इसके ट्वीट हैंडल पे इसके वो खबर है जो इसने इसके 3 बार नारियल फोड़े। ये इतना बड़ा महत्व का काम है, यहाँ से सारे लोग गुजरते हैं, हरियाणा हो, यूपी हो, दिल्ली के लोग हों। इस काम को इसने जानबूझ कर डिले किया और इसमें घटिया माल लग रहा है। जिस तरह का रोड बनना चाहिए था वो नहीं बना, इसलिए मैं आया। ऐसा है, अधिकारियों ने जो मुझे कहा है कि हम जल्दी काम शुरू करेंगे, अगर वो जल्दी काम शुरू नहीं करेंगे फिर हम 2-3 हफ्ते बाद इस रोड पे जाम लगा देंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। जब तक सही आश्वासन नहीं मिलेगा, काम शुरू नहीं होगा, हम यहाँ से धरना नहीं हटाएंगे। अगर मुझे मौका मिला तो इस मामले की जांच कराई जाएगी, जिन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी है उनको डोमिनेशन किया जाएगा। उस जमीन को स्कूल की है, बच्चों की भविष्य का मामला है, जानबूझ के इसने बहुत जगह ऐसी शिकायत है जहाँ इसने कब्जे किए हैं। क्षेत्र की जनता का शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या मानते हैं? हम जनता को जगाने के लिए आए हैं, जनता जागेगी जब ही, जनता के हाथ में ताकत है, जनता ही बनाती है और जनता ही हरा देती है। मेरा कहना यह है कि ये सिर्फ नारियल फोड़ता है, काम कोई करता नहीं है, कमीशन खाता है और इसका कोई कार्यक्रम नहीं है। मेरा सबसे पहले जो सीवर का काम रुका पड़ा है, सीवर की फाइल उस टेबल से दूसरी टेबल पे नहीं गई। अगर मुझे मौका मिलेगा मैं क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके सीवर राम सिंह डालेगा, ये मैं वादा करता हूं जनता से, और जो काम राम सिंह ने करे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। क्षेत्र की जनता देख रही है, क्या मैसेज देंगे आप क्षेत्र? मैं ये कहना चाहता हूं, अरे जमीन हमारी, हम मकान अनऑथराइज बना रहे हैं, अगर एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो 1-2 के लिए कमरे चाहिए, 3 के लिए कमरे चाहिए, अगर कोई एक आध कमरा बना रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।